हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअली किस तरह से ऑयल की जो प्राइसेस होती है। खाने वाला ऑयल की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं जिस ऑयल से आपकी गाड़ियाँ चलती, जिस ऑयल से दोस्तों आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जिस ऑयल से आपकी रेलवे चलती है। तो इन सारी चीज़ों की दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ऑयल आपके फूड प्राइसेस, आपके फार्मर्स और आपके फर्टिलाइजर, तो मतलब ये जो सारा जो चरक, ये जो कहेंगे एक साइकिल है ना, ये साइकिल किस तरह से अफेक्ट होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज की महंगाई बढ़ती कैसे है, ओके, और इसका दोस्तों ऑयल प्राइस, देखिए आप सबको पता है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी महीनों से। तो हम देखेंगे कोविड जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन ऑयल प्राइसेस का, इन क्रूड ऑयल का किस तरह से हमारे फूड प्राइसेस पे अफेक्ट होता है, और ये फूड प्राइसेस किस तरह से इन्फ्लेशन को दोस्तों अफेक्ट करती है, एज वेल एज जो ये उगाते हैं हमारे फार्मर्स, तो उनको किस तरह से यहाँ पे अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आरबीआई का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, ऑयल का रोल क्या है, फूड का रोल दोस्तों यहाँ पे क्या है, और कौन से अल्टरनेटिव दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं फूड पे असर हो रहा है। हम फूड की बजाय दूसरी जगहों पे ज्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे कि एक्चुअली किस तरह से ऑयल जो है, ऑयल लिंक करता है फूड प्राइसेस से। ओके, आप सभी को पता है ऑयल किस तरह से लिंक करेगा वो हम यहाँ पे जानेंगे। और ये दोस्तों अभी की बात नहीं है, ये काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मतलब काफी सालों से ये हो रहा है और अभी भी ये दोस्तों इसका अफेक्ट हो रहा है। और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इंपैक्ट करता है ये फूड प्राइसेस पे, किस तरह से हमारा घर की, हमारी जो जेब है दोस्तों, जेब से पैसे निकाले जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जान ले दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, एज वेल एज दोस्तों फॉलो कीजिएगा स्पेशल क्लासेस में जहाँ पे हम काफी चीजें डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करेंगे डिटेल में जानने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या हुआ था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे डिस्कस करें तो ये बात है कि लास्ट वीक, देखिएगा यहाँ पे लास्ट वीक हुआ क्या कि मतलब हम बात करें, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिलीज, एक डेटा रिलीज किया दोस्तों। उस डेटा में ऐसा दिया गया कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, जिसे FPI दोस्तों कहते हैं, वर्ल्ड ओके फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि दोस्तों कहा गया है अक्टूबर में, ये पिछले महीने की बात है अगर हम बात करें दो महीने पहले की, क्योंकि ये एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है कि किस वजह से अफेक्ट होता है फूड प्राइसेस ऑयल प्राइस की वजह से। देखिए यहाँ पे 133.2 पॉइंट्स इन अक्टूबर, द हाईएस्ट सिंस जुलाई 2011। अब यहाँ पे 10 सालों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब अभी अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में जो डेटा पब्लिश किया गया है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दर के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि अभी फूड के प्राइसेस सबसे ज्यादा है अगर हम बात करें 2011 से अब तक। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे जो अदर वाली जो बात यहाँ पे आ रही है कि ये ना दोस्तों, ये नॉलेज सिग्निफिकेंट क्योंकि आपको बता दूं कि द वे FPI हैज ऑसिलेटेड सिंस, मतलब आउटब्रेक जैसे हुआ है COVID-19 का, COVID-19 के आउटब्रेक के बाद ये प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ी है। देखिए फैक्ट्रीज काफी, मतलब उत्पादक जो है, इंडस्ट्री जो है वो काफी बंद पड़ी थी और ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। एंड आपको बता कि गल्फ कंट्रीज मुनाफा कमाना चाहती है, दैट्स व्हाई उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन रोक के रखा, रोक के रखने की वजह से प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गई। और उसके बाद मार्केट में जैसे ही दोस्तों ये खुला हमारा मार्केट सेकेंड वेव के बाद, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इंडस्ट्री शुरू हो गई, सारे लोग काम पे जाना शुरू हो गए, तो इकोनॉमी स्टार्ट हो गई तो प्राइसेस वहां पे बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अगर डिमांड जैसे बढ़ती है दोस्तों किसी भी चीज की, समझे, अगर मुझे चाहिए टमाटर तो मुझे ज्यादा टमाटर चाहिए यार, तो ज्यादा टमाटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड रखनी पड़ेगी मार्केट में। तो जिसके पास थोड़े कम टमाटर है तो वो क्या करेगा, भाई देख मैं रेट चल रहा है मार्केट में 10 रुपए, तुझे ज्यादा चाहिए तो मैं कितने भी दूंगा, 30 रुपए भी दूंगा, तो 30 रुपए मुझे खरीदना पड़ेगा क्योंकि मुझे जरूरत है। तो डिमांड हमेशा जो वस्तु की जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पे बढ़ाती है। तो जान लेंगे यहाँ पे कि मई 2020 में दोस्तों आपको बता दूं कि वेन ग्लोबल इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब उथल पुथल चल रहा था क्योंकि कोविड की वजह से, एंड आपको बता दूं कि ये कोलैप्स हो गया था। अगर हम बात करें 91.1 फूड प्राइस इंडेक्स की दोस्तों यहाँ पे बात करते, काफी लो चला गया था, एंड फ्रॉम देयर ऑन की 10 एंड क्वार्टर ईयर या भी हाई पे पहुंच गया है इतना ज्यादा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें, एक टेबल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, देखिएगा प्राइसेस किस तरह से यहाँ पे बढ़े हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे एक टेबल है फूड प्राइस इंडेक्स का, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एकदम डिटेल में देख लीजिएगा कि जनवरी 2020 से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्टूबर 2021 की, कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं, जब दोस्तों लॉकडाउन लगा था अप्रैल मई की अगर बात करें, आपको पता होगा मार्च 2020 में यहाँ पे लॉकडाउन लगा था हमारे इंडिया में, तो उसी टाइम पे दोस्तों प्राइसेस काफी नीचे गई है, मतलब काफी 90 के अराउंड दोस्तों प्राइसेस गई, और उसके बाद दोस्तों ये जैसे बढ़ा है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मतलब अक्टूबर 2021 में फूड प्राइस इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ा है, मतलब प्राइसेस बढ़ी है,
महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये क्यों बढ़ा है ये जानेंगे दोस्तों आज यहाँ पे। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आया है, मतलब एक साल के अंदर काफी सारी चीजें है, काफी गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स है। हम बात करेंगे समझो आरबीआई हमारी है तो बाकी के जो कंट्रीज की गवर्नमेंट है, बाकी जो कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या यहाँ पे कदम उठाए हैं, उसका यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट जरूर पड़ा है, वो यहाँ पे जानेंगे ऐसा क्यों हुआ था। तो यहाँ पे बता दूं कि मच ऑफ द रोलर कोस्टर क्यों हुआ है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, ऑयल प्राइसेस कोविड के बाद ज्यादा बढ़े हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि अप्रैल मई 2020 के मुकाबले अभी जो रेट है दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ा। अगर हम बात करें अप्रैल मई 2020 की तो रेट क्या था, $25 था, $35 था पर बैलर, लेकिन अब दोस्तों रेट जो है ना वो $84 के आसपास चला गया है पर बैलर के, बात करते हैं इतना ज्यादा। तो ऑब्वियसली इसका जो असर है वो फूड पे होगा, इसका असर जो है फूड पे क्यों होगा वो बात करेंगे। देखिएगा ऑयल तो एक तरफ रहा सर, गड्डी चलानी है, और यहाँ पे फूड की आप अलग बात कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है वो डिस्कस करना, यही तो हम आज का मोटिव है कि क्या डिस्कस करेंगे, क्या होना है। देखिए फ्यूल एंड फूड का क्या रिलेशन है, काफी इक्विपमेंट्स वगैरह हम चलाते हैं, फर्टिलाइजर मंगाते हैं, और हम बात करें ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो वन रीजन क्या है कि पेट्रोलियम एंड एग्री कम्युनिटी प्राइसेस मूव इन टैंडम इज द बायोफ्यूल लिंक। अब बायोफ्यूल लिंक क्या है दोस्तों बता दो, व्हेन क्रूड प्राइसेस जब रेज हुए ना तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या कर लिया, आप सभी को पता है कि इथेनॉल, सबने नाम तो सुना होगा राइट ना, जैसे राहुल शाहरुख ओके, वैसे ये इथेनॉल फ्रॉम शुगर कैन एंड कॉर्न विद द पेट्रोल। तो अब आपने क्या कर लिया, शुगर कैन से और अपने कॉर्न से मतलब मक्का, मक्के से आपने इथेनॉल वहां पे निकाला क्योंकि प्राइस ज्यादा बढ़ रही थी, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, मतलब हमने क्या किया, शुगर कैन से और कौन से इथेनॉल निकाल लिया और हम पेट्रोल में ज्यादा वहां पे डालने लगे ताकि प्राइसेस बढ़ रही है, हम ज्यादा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने अब क्या कर दिया कि आर डाइवर्टिंग पाम एंड सोयाबीन ऑयल फॉर द बायोडीजल प्रोडक्शन। तो आपने अभी बायोडीजल दोस्तों यहाँ पे पाम और सोयाबीन को वहां पे निकाल दिया, मतलब खाने की चीजें आपने वहां बेचनी शुरू कर दी, आपने वहां से अपना जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए वो चीजें यहाँ पे शुरू कर दी, एंड बिकम्स ये काफी अट्रैक्टिव क्योंकि प्राइसेस ज्यादा मिलती थी। देखिएगा आपको अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस मिल रही है समझो 85-90 रुपए 100 रुपए मिल रहे, तो वही इथेनॉल आपको मिल रहा है अराउंड 50 रुपए के आसपास, तो भाई कौन नहीं खरीदेगा, इतना 30-40 रुपए का डिफरेंस है तो फायदा होगा ही। तो दैट्स व्हाई ये चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कॉटन जो है ना, कॉटन लाइकवाइज टर्न्स रिलेटिवली अफोर्डेबल। देखिएगा आपको बता दूं कि कॉटन जो है, कॉटन की प्राइस हमें काफी अफोर्डेबल लगी, क्यों लगी, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन वगैरह सारी चीजें इनकी प्राइस बढ़ी। दैट्स व्हाई इनकी प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि नायलॉन में सिंथेटिक फाइबर्स में आप क्या यूज करते हो, पेट्रोकेमिकल यूज करते हो, पेट्रोकेमिकल यूज करते हो, तो पेट्रोल महंगा है तो वो उस फाइबर की चीज जो है उस प्राइस वो बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको लगेगा। देखिए कॉटन की प्राइस अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज प्राइस, ओके तो 50 रुपीज प्राइस कॉटन की है वो स्टेबल है पिछले 2-3 सालों से, एक बार बात करें एग्जाम्पल दे रहा हूं ये स्टेबल है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर की प्राइस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, उसमें आपको पेट्रोकेमिकल यूज करने होते हैं, तो रिलेटिवली आपको लगे अरे भाई कॉटन तो 50, देख पेट्रोकेमिकल प्राइस कितनी हो गई है, मतलब वो सिंथेटिक फाइबर की प्राइस कितनी है, वो तो 150 के ऊपर चला गया, मतलब कॉटन सस्ता, ऐसा नहीं होता। ये रिलेटिवली इफेक्ट हमें थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों कि एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आप उसके बाद तो बायोफ्यूल की जो हमने बात करी थी कि हमने शुगर केन और सोयाबीन से और हम बात करें पाम से कॉर्न से यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया कि इथेनॉल हमने वहां से ले लिया। देखिए कॉर्न जो है ना, मतलब मक्का जो है स्पेसिफिकली अगर ये एनिमल फूड है अगर हम बात करें यहाँ पे, लेकिन उसका जो डाइवर्जन दोस्तों हुआ ना वो इथेनॉल की तरफ हुआ, उससे हम इथेनॉल लगाने लगे, इथेनॉल हम उससे मंगाने लगे, एंड ये तो मुश्किल हुआ क्या, तो एनिमल के लिए फिर हम क्या करेंगे, एनिमल के लिए दोस्तों वीट यहाँ पे दिया गया, तो एनिमल्स को अब यहाँ पे गेहूं दे दिया गया खाने के लिए, तो अगर गेहूं वहां पे खाने के लिए उन्हें दे दिया गया तो हम क्या खाएंगे, तो प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि गेहूं मार्केट में अवेलेबल इतना था नहीं क्योंकि लाइव स्टॉक को आपने दे दिया। अब अभी देख लीजिए सेम हैपन विद द शुगर, शुगर मिल सेटअप अ प्रोपोर्शन ऑफ केन क्रश फॉर फर्मेंटिंग इनटू अल्कोहल, मतलब शुगर भी आपने अल्कोहल में यहाँ पे मतलब देखिएगा आपने फर्मेंटिंग कर दिया उसके बाद आपको इथेनॉल मिलेगा है कि नहीं, तो वो तो सच वाली बात है। तो यहाँ पे बट इजंट द बायोफ्यूल इफेक्ट अलोन, सिर्फ बायोफ्यूल की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ी है क्या, कि हमने इथेनॉल का प्रोडक्शन कर लिया सर और इथेनॉल का प्रोडक्शन करते इतनी प्राइस बढ़ गई, नहीं इतना इफेक्ट नहीं है, ये एक इफेक्ट मैं आपको बताऊँ, ये बायोफ्यूल का एक इफेक्ट है। अदर चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सेंटिमेंट होता है, वो सेंटिमेंट क्या है वो यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, फूड ऑयल फर्टिलाइजर, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक साइकिल है। देखिए ये जो रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ फूड की वजह से हुआ है तो नहीं, यहाँ पे ब्रेंट कुल ऑयल का जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा करंट प्राइस का है अपना 82 के अराउंड वगैरह है, 84 के अराउंड जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था,
ईयर एगो कितना था, 40 था, और 3 months एगो कितना था, 71 था। मतलब इतने एक साल के अंदर और लगभग पिछले 2-3 quarter के अंदर ये प्राइस काफ़ी बढ़ा है। अगर अभी बात करें शुगर की प्राइस, देखिएगा यहाँ पे 14 से लगभग 19 हो चुकी है। अगर अभी हम बात करें तो वीट की प्राइस देखिए 609 रुपये थी लास्ट ईयर की बात करें, वो अब बढ़ चुकी है 766। कॉर्न की प्राइस देखिएगा 409 थी, 553 हो चुकी है। ओके, और अगर हम यहाँ पे कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी तो भाई 105 से 200 दिन, मतलब दुगना ये लगभग प्राइस यहाँ पे हो चुका है। ये प्राइस थोड़ा ध्यान में रखिए। यूरिया देखिए, अगर लास्ट में हम यूरिया की बात करें, यूरिया यहाँ पे देखिएगा DAP है और MOP, इसकी प्राइस काफ़ी बड़ी, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ये जो प्राइसेस वगैरह है ये क्या है। देखिएगा यहाँ पे जो है ना, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है वो एवरेज लगभग कितना होता है, देखिएगा यहाँ पे 3627 पर टन ग्लोबल डेयरी यहाँ पे उन्होंने कहा था, जो कि अब दोस्तों देखिएगा हाईएस्ट पहुंच चुका है। लगभग उस टाइम पे 2014 में कितना था, $3,810 इतना था। और अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेशनल कॉफी के प्राइस भी काफी बड़े, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉफी के प्राइस भी दोस्तों काफी बड़े, नियरली डबल हो चुके हैं। मतलब जो एग्री कमोडिटी है दोस्तों उसके प्राइसेस बड़े हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बात यहाँ पे करते हैं और चीज़ों के बारे में, देखिएगा और चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या आएगी, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था कि जो फर्टिलाइजर है दोस्तों इसके प्राइस काफ़ी यहाँ पे बड़े हैं। तो चलते हैं आगे, देखिएगा स्किम्ड मिल्क जो कि दोस्तों 7वें-8वें नंबर पर है स्किम्ड मिल्क पाउडर, तो वहाँ पे दोस्तों 2700 था, अब दोस्तों हो चुका है $3,600। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अदर चीज़ों के बारे में, बायोफ्यूल की हमने बात करी कि उसकी वजह से दोस्तों फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ते हैं। हमने ये भी बात करी कि दोस्तों किस तरह से अपना एटीट्यूड दोस्तों चेंज हो रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या हो रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ, सेंट्रल बैंक किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए सेंटीमेंट जो होते हैं ना, कनेक्टेड विद द टू थिंग्स होता है। मतलब क्या, यहाँ पे बात कर देखिएगा, फर्स्ट क्या होता है कि ऑफकोर्स डिमांड बढ़ रही है कोविड के बाद तो प्राइसेस बढ़ेगी। इसमें थोड़ी देर पहले बताया था टमाटर का इशू, तो अगर डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी आगे आ रही है तो ऑब्वियसली आपके प्राइसेस वगैरह बढ़ेगी। वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। उसके बाद सेकंड क्या है कि फ्लड ऑफ लिक्विडिटी अनलिश, मतलब क्या, कंपनीज, मतलब यहाँ पे फेडरल रिजर्व US की है, जो RBI है, इन्होंने मार्केट में दोस्तों पैसा यहाँ पे डाला। देख लीजिएगा इन्होंने पैसा यहाँ पे डाला, तो पैसा डालने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में पहले पैसा था नहीं। ओके, कोविड के टाइम पे अगर बात करें पैसे काफी कमी थे, टैक्सेस नहीं आ रहे थे, GDP आपको बता दूं कि इंडिया में तो GST कलेक्शन काफी कम हो चुका था, तो मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा डालना पड़ा। पैसे डालेंगे तभी जाके तो पैसा रिटर्न आएगा, तभी जाके लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये चीजें सारी इंटरलिंक है मेरे दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये देख लीजिएगा। और सेकंड देखिए, पहला वाला रीजन मैंने क्या बताया कि COVID-19 की वजह से जो इकोनॉमी पूरी ठप पड़ी थी, अब जो उससे रिवाइवल इकोनॉमी हो रही है उसकी वजह से दोस्तों एक इफेक्ट है, डिमांड रिटर्न आया। दूसरा जो इफेक्ट दोस्तों था कि बैंक्स ने लिक्विडिटी, मतलब पैसा डाला मार्केट के अंदर। और उसके बाद अब क्या हुआ दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे US अगर फेडरल रिजर्व की बात करें, थोड़ा एग्जांपल वहां से ले लें क्योंकि मेजर इकोनॉमी वहीं से दोस्तों हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस इंपैक्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। देखते हैं US फेडरल जो टोटल एसेट्स है दोस्तों, मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं मार्केट से, एंड जो सिक्योरिटीज यहाँ पे खरीदी है, ताकि उनके जो बैलेंस शीट है दोस्तों देखिएगा, ये $4,251 billion है, वो बढ़ चुके हैं दोस्तों $8,574 billion बिटवीन 2020 से 21। मतलब मार्केट में कितना ज्यादा पैसा इन्होंने यहाँ पे डाला है। और हमें बात करेंगे ऑल दिस मनी जो है ना दोस्तों, ये अब क्या किया, ये पॉलिसी इंड्यूस्ड अल्ट्रा लोअर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, मतलब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट दोस्तों काफी कम हो गया, फाउंड इट्स वे इनटू द स्टॉक मार्केट। तो बहुत से कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया, ऑल्सो इन कमोडिटीज, तो पैसा आया मार्केट में, राइट ना। अब देख लीजिए यहाँ पे कि एंड सिंस द रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई चेन हैजंट केप्ट पेस, मतलब सप्लाई चेन दोस्तों बताया काफी खराब हो चुकी थी, सप्लाई चेन यहाँ पे पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे बात करें यहाँ पे, एंड ये कंजेशन हुआ काफी पोर्ट्स के यहाँ पे, क्योंकि अचानक से दोस्तों हुआ क्या, अचानक से ये जो रिकवरी है ना, ये रिकवरी होने शुरू हो गई एंड पोर्ट्स के यहाँ पे दोस्तों देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी में पैसा आ गया, इकोनॉमी में पैसे आने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो आपका जो हम कहेंगे सप्लाई चेन वो भी बढ़ने शुरू हो गई, तो पोर्ट्स में कंजेशन आ गया, डिमांड ऑयल की बढ़ रही है। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी आगे बढ़ी है, पैसा मार्केट में आया है, इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो चुका है, उसकी वजह से पोर्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है एंड डिमांड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से दोस्तों कंजेशन एट पोर्ट, शॉर्टेज ऑफ शिपिंग कंटेनर्स एंड वेसल, क्योंकि सबको चाहिए भाई, इकोनॉमी सबको रिवाइव करनी है, महंगाई देखिए, आप कंटेनर में बहुत सारी चीज़ें मंगाते हो राइट ना, तो वो कंटेनर की प्राइस भी बढ़ी है, तो उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से दोस्तों ओवरऑल जो रिजल्ट हुआ है किसमें, अगर कंटेनर मुझे कोविड के पहले मिलता था ₹500 में एग्जाम्पल, अब मुझे कंटेनर की डिमांड ज्यादा है तो कंटेनर की प्राइस ₹1,000 हो चुकी है, तो कंटेनर वाला क्या करेगा, कंटेनर वाला भाई मोबाइल वाले से पैसे लेगा, क्योंकि कंटेनर में मोबाइल में बेच रहा हूं, तो मोबाइल की प्राइसेस बढ़ेंगी, फूड की प्राइसेस बढ़ेंगी,
पढ़ने की प्रोसेस बढ़ेंगी, इतना सब कुछ दोस्तों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड है। और अगर दोस्तों और चीजों के बारे में हमें बात करें, क्या ये सारी चीजें फार्मर को, देखिए प्राइसेस अगर बढ़ रही तो फूड की प्राइसेस बढ़ेगी राइट ना, अगर फूड की प्राइसेस बढ़ रही है तो क्या फार्मर को, हमारे जो फार्मर है उनको इसको पे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कपास की अगर बात करें, जो हम बात करें एमएसपी है तो 6000 के अराउंड है अगर बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कपास की प्राइस इनको मिल रही है लगभग 7,500 से 8,000 अराउंड, ओके इतनी प्राइस इनको मिल रही है कपास की, तो ज्यादा ही मिल रही है राइट। सोयाबीन के मामले में ऐसा ही है, एमएसपी क्या है, एमएसपी आपका 3950, लेकिन प्राइसेस मिल कितनी रही है, प्राइस उनको ज्यादा मिल रही है, तो मतलब फार्मर को फायदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि चलो यार फार्मर को तो फायदा हो रहा है भाई, प्राइवेट मार्केट में इनको 7,500 पर क्विंटल, 8,000 पर क्विंटल मिल रहा है, सोयाबीन देखो 5,000 में जा रहा है, तो फायदा तो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच में हो रहा है, जानेंगे यहाँ पे एक अनदर साइड क्या है उस चीज की, कि सच में फार्मर कितना फायदेमंद है। फार्मर्स हैविंग फोर्स टू पे मच फॉर फ्यूअल, देखो आपको खेतीबाड़ी करनी है तो आपको डीजल लगेगा, और डीजल की प्राइस तो इतनी ज्यादा बड़ी है, आपको बता दूं अगर डेली क्या पे बात करते हैं तो राइट नाउ जो प्राइसेस वगैरह वो 86.67 लीटर है, अगर हम एक्साइज ड्यूटी कम करके बात यहाँ पे कर रहे हैं, ओके देखिएगा एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए थी, वो कम करके बात यहाँ पे कर रहा है, वो 86 रुपीज है पर लीटर की, तो ये थोड़ी अभी बड़ी भी होगी थोड़ी कम भी होती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इससे अफेक्ट पड़ा है, इससे इफेक्ट जो है ना उनके प्राइसेस पड़ा है, मतलब जितना का डीजल वो एक साल पहले यहाँ पे लेते थे उससे ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ी है, 70 रुपए में लास्ट ईयर वो लेते थे, अब जो प्राइसेस है वो 86 रुपीज है, तो 16 रुपए ज्यादा बढ़े हैं एक लीटर के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी खर्चा बढ़ा है। देखिए प्राइवेट में उन्हें यहाँ पे 7,500 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं सोयाबीन और कॉटन के लिए, लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ही है ओके, लेकिन उससे क्या ये खुश है, नहीं यार ये अफेक्ट हो रहा है, लेकिन और भी इफेक्ट क्या है, देखिएगा मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर किसी भी फार्मिंग इंडस्ट्री की बात होती है तो फार्मिंग में फर्टिलाइजर मैटर्स अ लॉट मेरे दोस्त, इससे आपको यूज करना पड़ेगा, अगर आपको दोस्तों प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो फर्टिलाइजर काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे डाई अमोनियम फॉस्फेट की, इसकी जो प्राइस दोस्तों ये कितनी है, हम ये इंपोर्ट कर, देखिएगा फर्टिलाइजर पे हम अभी तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, और कितना है $800 पर टन, इतना हम इंपोर्ट करते हैं, और बता दूं कि ये कॉस्ट इंक्लूड होती है जब हम बाहर से मंगाते हैं तो ओशन से मंगाते हैं, सीजेस मंगाते हैं, पोर्ट्स में उसका डेफिनेटली प्राइस वगैरह इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें पोटैश की यहाँ पे एमओपी की, तो उसकी प्राइस दोस्तों 450 टन थी 7-8 के जब क्राइसिस आया था उस टाइम पे, तो अभी प्राइसेस वैसी है, कम प्राइसेस हुई नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्राइसेस वगैरह अभी जो है, The prices of urea on the other hand have crossed the $900 per ton. इतनी ज्यादा prices अगर आपके fertilizer की है तो definitely farmer पे कितना असर होगा, उसे कितना invest, देखिएगा कपास की price बढ़ी है, सोयाबीन की price बढ़ी है, लेकिन उसी मामले में दोस्तों ना यहाँ पे fertilizer आपके जो oil की prices वो बढ़ चुकी है, तो कितना relatively उसे फायदा होगा इस चीज का, कितना फायदा वो कमाएगा, तो इसी वजह से उसे food की prices बढ़ानी पड़ेंगी, ये logic है। अगर मुझे नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मुझे प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैं मेरा खुद का ठीक तरह से कर पाऊंगा, सारी चीज़ें जी पाऊंगा, तो इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन आखिर में गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती, देखिएगा द कमिंग वीक्स प्रेजेंट काफी ह्यूज चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने कि फर्टिलाइजर को लेके काफी एक नई पॉलिसी वगैरह बनाए, और फार्मर्स को दोस्तों जो इक्विपमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट फॉर देयर वीट मस्टर्ड पोटैटो एंड ऑन एंड रबी क्रॉप दोस्तों जो है वो ठीक तरह से अवेलेबल करवाए रीजनेबल क्वांटिटीज में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज अगर बता दूं कि इट वुड मैटर फॉर फूड प्राइसेस डाउन द लाइन, देखिएगा ये ना फूड प्राइसेस कम होगी या नहीं होगी ये मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि सारे बहुत सारे इफेक्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूएस का भी इफेक्ट है, जिसमें मैंने बताया कोविड का भी इफेक्ट है, जिसमें मैंने बताया कि आपको बताया फर्टिलाइजर का इफेक्ट है, शिप का, कंटेनर का, अरे कंटेनर की प्राइस बढ़ी है तो इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारा इंटर रिलेटेड है दोस्तों। ये चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से माहौल बदलता है। देखिए वेरिएंट वगैरह तो डेफिनेटली कोविड के आ चुके, नए वगैरह आपको बताओ डेल्मिक्रॉन आ चुका है, ओमिक्रॉन वगैरह डिटेक्ट हो चुका है, तो कैसे इफेक्ट होगा क्या होगा डेफिनेटली आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइसेस होती है, किस तरह से गवर्नमेंट इस पर एक्ट करती है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का जो इशू था शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इफेक्ट होता है फूड प्राइसेस के ऊपर। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो टेलीग्राम के ऊपर तो डेफिनेटली आ जाए नीलेश सर अनअकैडमी आपका टेलीग्राम ग्रुप है अपना, एज वेल एज स्पेशल क्लास में दोस्तों अपना शेड्यूल डेली होता है, देखिएगा डेली हम 2 क्लासेस करते हैं, दैट इज 9:30 बजे 12 PM को, 9:30 बजे स्टैटिक जीके करते हैं, 12 PM को दोस्तों करंट अफेयर्स करते हैं, उसके बाद
3 PM को डेल मतलब मंडे वेनेसडे फ्राइडे को हम रैपिड फायर करते हैं, मतलब जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो हम रिवाइज करते हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी बैच में एडमिशन लेना हो, जीएसजी के आपका परफेक्ट करना हो, तो 29 December से दोस्तों बैच शुरू हो रही है, उसमें आ जाइएगा, पूरा सिलेबस आपका उसमें कवर किया जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक फीचर दोस्तों इसमें लेना चाहते हो, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। आपको मिलेगा दोस्तों प्रायोरिटी इन द डाउट सॉल्विंग एज वेल एज प्रायोरिटी इन द क्लास, आप हैंड रेज करके बात कर सकते हो, आपको डेफिनेटली काफी चांस मिलेगा, और आप एजुकेटर से बात करके अपने डाउट वगैरह वहाँ पे क्लियर करवा सकते हो। घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, अगर लग रहा है कि सर कोई डाउट वगैरह है तो फोटो खींच लीजिए, उस क्वेश्चन का हमें सेंड कीजिएगा और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अनअकैडमी पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा मिलती है, और जितनी टेस्ट आप ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई होगी, जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और एग्जाम तो भाई टेस्ट की है कि नहीं दोस्तों। तो रेज हैंड का फीचर यूज करके एजुकेटर से बात कीजिएगा और अपने सारे डाउट सॉल्व कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कल होने वाला है 26 December को होने वाला है आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैराथन कॉम्बैट, इसमें चांस मिलेगा आपको ढेर सारे दोस्तों यहाँ पे जीतने का, क्या यहाँ पे इतने सारे सब्सक्रिप्शन आप जीत सकते हो, मतलब क्या आपको डिस्काउंट मिल सकता है स्कॉलरशिप वाला। और रीजनिंग ऑफ मैराथन काफी इंपॉर्टेंट है, आप आ जाइएगा रीजनिंग की मैराथन खेलने के लिए 2 January को, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है अनअकैडमी की तरफ से, है कि नहीं। तो आगे चलेंगे दोस्तों, NW10 आपका एनरोल कोड है, वहाँ पे NW10 यूज करके एनरोल कीजिएगा एंड खेलिए मैराथन। सबसे इंपॉर्टेंट डिसंबर के ऑफर दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये जो ऑफर आपको बताया जा रहा है SSC के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल रहा है 4 मंथ का एक्स्ट्रा, एंड 24 मंथ के साथ आपको 8 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एंड अगर कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपको इतनी सारी प्राइस यहाँ पे है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेटली ये ऑफर चेकआउट कीजिएगा। इसमें एनरोल करने के लिए सिर्फ NW10 यूज कीजिए एंड आपको और भी ज्यादा यहाँ पे प्राइसेस वगैरह मिलेंगी। देखिए बैंक है, रेलवेज है, क्योंकि आपको बताया रेलवेज और बैंक में अभी भी सब कुछ ऐड वगैरह आ चुके हैं, रेगुलेटरी है, CDS का भी कॉम्बो दोस्तों इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। और ये करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, NW10 यूज करके आपको इतने सारे ऑफर्स यहाँ पे मिल जाएंगी 488 में, 488 से भी नीचे आपको प्राइस यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए आ जाइए प्लस में, इंतजार कर रहा हूं मैं, कब आते हो क्लास में बताना कि सर आपका वीडियो देखा था और मैं आपके क्लास में आ चुका हूं। तो टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, अगर अनअकैडमी पे कोई भी आपको वीडियो इनअप्रोप्रिएट लगता है तो रिपोर्ट जरूर कीजिए, आप प्राइजेस जीत सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, समझ आया गया हो कि क्या रिलेशन है दोस्तों ऑयलर फूड में, तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और टिल देन सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।